जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में वैक्सीनेशन से संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सेकेंड डोज बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने प्रतिदिन प्रथम व द्वितीय डोज के गैप को पूरा करने के लिए 50,000 प्रतिदिन द्वितीय डोज टीका लगाने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों जिसमें BSC 20,000, DIOS 10,000, उच्च शिक्षा 5,000, समाज कल्याण 5,000, DRDA 5,000, कृषि विभाग 5,000 सहित सभी को मिलाकर 50,000 का लक्ष्य दिया। उन्होंने कहा, जो लोग प्रथम डोज ले चुके हैं तथा द्वितीय डोज नहीं लिए हैं, ऐसे लोगों को कॉल करके जागरूक करना है, जिससे वह लोग अपना द्वितीय टीकाकरण करा सके और जनपद के 100% लोगों का टीकाकरण किया जा सके। इस अवसर पर एडिशनल CMO डॉक्टर AN प्रसाद, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अभय नारायण मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ICC की नोडल अधिकारी सुनीता पटेल ने कहा, चलो बाकी कर रहे हैं अभी, तो हमें अभी क्या करना है ये पूछ रहा हूँ। तो पहले तो सीनियर में क्लियर है, ठीक है, टीका नहीं लगा है, अपडेट करो, नहीं लगा है तो लगवा दो। लेकिन वो आदमी मिल नहीं रहा है तो ज्यादा सिनेरियो है, आपको पता है यहाँ पे 10-15-20% लोग पलायन नहीं, बाकी जनपद क्या कर रहे हैं इसमें। फिर उसके बाद है कि प्रिकॉशन डोज प्रथम या द्वितीय खुराक का समय है, कृपया आप अपने नजदीकी CVC पर जाएं और वहां अपना टीकाकरण करा लें। हम सेकंड डोज पे फोकस कर रहे हैं ना, सेकंड डोज का जो लिस्ट है, तो ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो आदमी पागल हो जाएगा। सेकंड डोज तो जो क्वेश्चन नहीं पूछना है उसको मत पूछिए, और अपना पुराना आईडी और मोबाइल नंबर ही साथ लेके जाएं जो पहली बार आईडी लेके गए। हर में कितने लोग यहाँ हैं और कितने पलायन वाले हैं, क्योंकि हुकुम से तो होने हमें ये देखने को मिल रहा है कि विदाउट आईडी या ऐसे कितने लोगों को आपने अपलोड किया है पोर्टल पर। दो लोग क्या निर्देश दिया है लोगों ने कि अगर फोन स्विच ऑफ आ गया तो क्या करना चाहिए, वहाँ उस गांव में जहाँ सेशन हुआ था वहाँ ड्यू लिस्ट हमने वोटर लिस्ट शेयर किया कि नहीं, सभी आशाओं तक पहुँच गया है। तो आप आशाएं वोटर लिस्ट के आधार पर सर्वे कर रही हैं, आप ड्यू लिस्ट शेयर करिए तीन विभागों को और मेरे कार्यालय से फोन करा दीजिए, आप स्वयं बैठ जाइए मेरे कार्यालय में। शिक्षा विभाग को आप 5,000 दे, 10,000। डीएम सर ने बैठक की है, किन किन विषयों पर चर्चा की है? आज DM सर विकास भवन में सुबह 10 बजे सारे विभागों के साथ एक मीटिंग किए हैं, वो कोविड वैक्सीनेशन से संबंधित मीटिंग थी। और कोविड वैक्सीनेशन में द्वितीय डोज का जो गैप है उस पर विशेष चर्चा हुई है। गैप चूँकि काफ़ी संख्या में है, 4,27,000 कुछ है, और उसी पे काम करने के लिए एक सिस्टम बताए हैं। उस सिस्टम पे अब DIOS जो हमारे वहाँ हैं वो जिला प्रतिरक्षण अधिकारी वो लग गए हैं और अभी आए हुए थे यहाँ पे ICCC में। DM सर का जो निर्देश था कि सारे विभाग को सूची प्रोवाइड करा दी जाए, 5,000, 10,000, तो वो सारे विभाग को बुला के यहाँ पे हम लोग दिए हैं। किस तरह से कार्य करेंगे ये सारे विभाग? सारे विभाग में जैसे अभी जिला प्रशासन अधिकारी, फिर ICDS विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, फिर DIS के अंडर में जो चलता है उच्च शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, सारे विभाग को जोड़ा गया है और सारे विभाग के लोग आके अपना सूची लिए हैं। और उसमें काम ये करना है कि जैसे सूची में जिसको फर्स्ट डोज लग चुका है उनका मोबाइल नंबर रहेगा, फिर उनको कॉल करके वो जानकारी लेंगे कि इनको सेकंड डोज लग चुका है कि नहीं लगा है, या सेकंड डोज नहीं लगा है तो फिर उनको सत्र स्थल पर भेजने का काम करेंगे, और यदि लग चुका है तो उनकी पूरी जानकारी लेके उस पर सूची पे अंकित कर देंगे कि इनको सेकंड डोज लग चुका है और उसी नंबर से लगा है, ताकि उसको पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाए।